शिवे सर्वा साधिके सरतम के गौरी नारायण ही नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्लो जय जय किराया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों आपको आत्मचिंतन करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए एक सत घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी आनंद लेने के लिए नहीं है, आपको चिंतन करने के लिए है कि हम शिक्षित और गैर शिक्षित जो अभावग्रस्त हैं, हम संपन्न हैं, तो हमारे सोच में उनकी सोच में क्या अंतर पड़ता है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सब पात्र सब कुछ काल्पनिक है, सब अलग अलग है, लेकिन यह वाकया सही है। आशा है कि इसको आप प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करेंगे, अपने विचारों में बदलाव करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों चार मित्र थे, मुरारी लाल, कृष्ण मोहन, माधव, कन्हैया। ये चार साथी एक जगह, मतलब उन्हीं में आप लेखक को भी समझ लें या जिसे समझ लें, जो घटना मैं बता रहा हूँ, मैं ये चार आदमी थे। मैंने इन घटना को देखा है, पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों ये कहीं खड़े थे हम लोग, तो देखा क्या है कि कहीं जाने के लिए खड़े थे, अभी बस आने में विलंब था, तो देखा कि एक आदमी फटे हाल, दीनहीन अवस्था में, बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, बिल्कुल गजब स्थिति थी, बहुत फटीचर, भागते हुए दौड़ते हुए चला रहा है। अरे कुछ खाने दे दे मैं मर जाऊंगा, कुछ खाने दे दे मर जाऊंगा, कुछ दे दे मुझे बहुत भूख लगी, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। साथियों कैसी विचित्र स्थिति, मानो कैसा है, निष्ठुर हो गया है। सब वहाँ संपन्न व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन किसी की जेब में हाथ नहीं गया कि उसको कुछ दे दें, उसका कुछ खिला दें किसी से। लेकिन जहाँ सब लोग खड़े थे वहीं पर एक गरीब खोमचे वाला जो चाय बेचता था, उसने तुरंत अपने डिब्बे में से हाथ डाला और तीन चार पाव रोटी निकाल करके उस बूढ़े को दे देता है, ले बाबा खाना खा लो। अब सोचिए कि भूखे को भोजन देना कितना बड़ा पुण्य होता है। वो भूखा व्यक्ति बूढ़ा धड़ाधड़ भोजन काट काट खाने लगा। उसी समय दैयोग से एक 8-10 साल का बच्चा, वो भी मुंह गिराए भागते चला रहा है, वो भूख लगी है, कई दिन से भोजन नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन किसी ने उस पर बात पर तवज्जो नहीं दिया, किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी वह जो बुढ़ा, जो भिखारी था, जो दरिद्र नारायण था, इसको दरिद्र नारायण कहिए क्योंकि ऐसे ही रूपों में कभी कभी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, वो दरिद्र नारायण जो भिखारी थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने प्रेम से बुलाया अपने पास और कहा कि ले तुम मेरे हिस्से से तुम भी खा ले अपना। तो उसने एक पाव रोटी उस बालक को भी दे दिया। तो साथियों भूखा ही भूखे की भाषा जानता है, भूखा ही भूखे की पीड़ा जानता है, लेकिन हर मानव व्यक्ति के अंदर एक करुणा होनी चाहिए। किसी को दुख में देख करके यदि आप दुखी नहीं हो रहे हैं तो आप मानव कल्याण के काबिल नहीं। किसी के सुख में आप सम्मिलित न होइए, लेकिन अगर दुखी है, अगर भूखा है, आपके बस में है तो दो पैसे से उसका इंतजाम करके उसके भूखे भूख मिटा दीजिए। तो साथियों आपने देखा कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति खड़े हैं उन्होंने उस बालक पर ध्यान नहीं दिया, उसको भूखे के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो स्वयं भीख मांग करके जिसने जो पाव रोटी खा रहा था उसने अपनी भिक्षा के भी हिस्से में से उस बालक को भी खाना दे दिया। तो आप स्वयं कल्पना करें कि हम लोग विचारों में श्रेष्ठ हैं अथवा वह दरिद्र नारायण।
यह स्वयं विचार करें और इस पर अपनी अपने मंथन करें। बस मुझे इतनी छोटी सी बात आपको बतानी थी, क्योंकि ये बात मेरे मन को झकझोर गई थी, इसलिए मैंने आपको आपसे सोचा कि आपसे शेयर करूं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ प्रेरक कहानियाँ, चूँकि साथियों जो मैं बातें बताता हूँ कहानियों के रूप में, ये सब धर्म पुराण कहानियाँ होती हैं अथवा कुछ सामाजिक कहानियाँ होती हैं जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं। मैं कपोल काल्पनिक बातें नहीं बताता हूँ। इसके लिए तो आपको तमाम आपको मनोहर कहानियाँ कौन कहानियाँ आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं तो आपको सत्य चीज़ों पर बात आपसे बात करता हूँ। आशा है कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी, आप इसमें मनन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।